सिवरी थाना क्षेत्र के बकुलहा पट्टी से सेक्स रैकेट का संचालन होने की बात सामने आने पर वहां से दो लड़कियों तथा चार पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए डुमरा वेस्ट DPO आफाक अख्तर अंसारी ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि वहां सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के साथ ही छापेमारी की गई तो मौके से राजेंद्र पांडे नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनके घर में सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा था। साथ ही अलग अलग कमरों से महिला और पुरुष आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पता पूछने पर उन्होंने अपना पता अलग अलग जगहों पर बताया। साथ ही यह स्वीकार किया कि वह देह व्यापार के धंधे में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि सिमरी में जब पूर्व में होटल सील किया गया था, राजेंद्र पांडे जी का मैरिज हॉल, उनके ऊपर जो एक केस दर्ज किया 93-23, वो मैरिज हॉल सील होने के बाद वो पुनः जो है इस गलत धंधे को अपने आवास पर अंजाम दे रहे थे। तो सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो उसको मैं वेरीफाई किया और टीम बनाया गया और टीम के द्वारा रेड किया गया। तो मौके से दो कमरों में बारी बारी से नॉक करके रेड किया गया। तो दो कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला एक कमरे में एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई और एक कमरे में एक लड़की और दो पुरुष थे जो आपत्तिजनक स्थिति में थे। उनको वहां से पूछताछ किया गया, सत्यापन किया गया, पता चला कि इनका ये घर नहीं है यहां पे, ये इस मतलब गलत अवैध कार्य के लिए यहां पे लाए गए थे। तो आगे पूछताछ के क्रम में हम लोग जो है वहां पे जो इसके संचालक थे राजेंद्र पांडे, उनको डिटेन किए और तीन पुरुष जो कस्टमर थे वो तीन, दो महिला और एक संचालक, कुल गिरफ्तारी 6 हुई है जिसमें महिलाएं 2 हैं पुरुष 4। सर इसमें कोई नाबालिग भी पाया गया है? हाँ, अभी सूचना मिल जैसे अभी उसका एज सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी फर्स्ट इंस्टांस में लग रहा है कि वो नाबालिग है, लेकिन हम एज सत्यापन कर लेंगे उसके बाद इस बिंदु पर। और भी जो सामग्री थी आपत्तिजनक स्थिति में, जैसे कंडोम वगैरह या अन्य सामग्री जो है, यूज्ड कंडोम वगैरह प्राप्त किया गया है। बाकी सब सामानों को सील किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर पूर्व में भी पकड़ा गया है? हाँ, पूर्व में भी उन पर कांड दर्ज हुआ था 93-23 17-3-23 को। उनका एक मैरिज हॉल था, उसको उसमें ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा पाया गया था मतलब, और उस पर कार्रवाई की गई थी। ये दूसरी घटना है। ठीक है।